खरगोन में खुद को विद्युत वितरण कंपनी का अधिकारी बताकर युवाओं को नौकरी देने के नाम पर रुपये ऐंठने वाले शातिर बदमाश को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 5 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। मामले के संचालनकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि 1 मार्च 2018 से 28 अक्टूबर 2018 के बीच मनीष उर्फ सिद्धांत पिता मोहनलाल खांडे 27 निवासी नाग मंदिर दामखेड़ा कॉलोनी थाना मैनगांव के द्वारा स्वयं को मध्य प्रदेश परिक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का अधिकारी बताकर मुबारक खान, मोइन खान, तरुण एवं रोशन से नौकरी लगाने के नाम पर धोखे से रुपये ऐंठने के बाद छल कर कुटर्चित नियुक्ति पत्र दे दिए थे। न्यायाधीश जी सी मिश्रा ने अभियुक्त मनीष को दोषी मानकर अलग अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए दंडादेश पारित कर अभियुक्त को तत्काल जेल भिजवाया गया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। वास्तव में 1 मार्च 2018 से 3/10/2018 तक 30/10 ऐसा कुछ था, उस तारीख तक के बीच में मनीष उर्फ सिद्धांत पिता मोहनलाल खांडे जो दामखेड़ा कॉलोनी का निवासी है, उसने एमपीईबी में ड्राइवर रहते हुए पुलिस अधिकारी अपने एमपीईबी का अधिकारी बन करके और कुछ नए नवयुवकों को ठगी की थी। उन्हें नकली नियुक्ति पत्र दिए थे और नियुक्ति पत्र पर जो है वो सहायक यंत्री के हस्ताक्षर युक्त सील लगा करके लेटर पैड दिए थे और उनको नौकरी दी थी। बाद में फरियादियों को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट की थी और उसकी रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने उस समय शशिकांत चौरसिया यहाँ पर अपने यहाँ तत्कालीन थानेदार थे, उन्होंने जांच किया और जांच पड़ताल के उपरांत जो है इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो गया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और न्यायालय में जब मामला चलाया मैंने तो इस मामले में इसके हस्ताक्षरों की भी जाँच हुई, इसकी लेखा पढ़ी की भी जाँच हुई और इस सबके दस्तावेजों की जाँच के उपरांत ये पाया गया कि इसने फर्जी तौर पर सबको ठगा है। तो कल 5 फरियादियों के हिसाब से प्रत्येक मामले में उसको 5-5 वर्ष की सजा, 3-3 वर्ष की अलग अलग धाराओं में 3-3 वर्ष की सजा और 20,000 किसी में 25,000 रुपए, इस प्रकार करीब करीब उसको 89,000 का दंड हुआ है, जिसमें से 80,000 रुपए जो है वो दंड की राशि प्रत्येक फरियादी जो है आदेश में वर्णित अनुसार उनको कंपनसेशन के रूप में दी जाएगी। तो ये जो अपराधी था ये एक प्रकार से समाज के प्रति उसका बड़ा अपराध था, उसने एक पढ़े लिखे नौजवान लोगों को जो है झांसा दिया, उनके साथ प्रपंच किया और कूट प्रेषित दस्तावेज दिए। इसमें एक फरियादी जो था उसने पैसे की जब वापस मांग की तब उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक विनोद सागोरे करके व्यक्ति था उसका चेक अपना हस्ताक्षर करके दिनेश सागोरे लिख करके उसे दिया, वह भी फर्जी पाया गया। तो इस आधार पर इसके खिलाफ सारा मामला जो है वो अभियोजन साक्षियों के थ्रू और आपके एमपीवी के अधिकारियों के थ्रू और ये जो जांच रिपोर्ट भोपाल से हुई थी इन सब के आधार पर उसको संदेह से परे जो है साबित करने में सफल रहा और इसको सजा दिलाने में एक निश्चित स्थान प्राप्त कर सकता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।